राजस्थान में बारिश खूब हो रही है, बाढ़ जैसे हालात भी हो चले हैं, लेकिन सरकार को क्या, क्रिकेट खेलने में मस्त है। वो अलग बात है कि क्रिकेट में भी राजस्थान के मंत्री और विधायक फेल हो गए, हार गए, सरकार का नाम खराब कर आए। सचिन पायलट को न जाने क्या हो जाता है कि आखिरी मौके पर फेल हो जाते हैं। शुरू में तो गजब का कर दिखाते हैं, लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है तो हो जाते हैं शायद नर्वस। सियासी मैदान की बात नहीं कर रहे हैं, बात हो रही है खेल के मैदान की। सियासत में तो सीएम की कुर्सी हाथ नहीं आई, लेकिन ऐसा लगा कि खेल में कुछ कर दिखाएंगे। सचिन पायलट की टीम को पूरा भरोसा था कि सचिन पायलट कुछ न कुछ जरूर करेंगे, लेकिन अफसोस कि सचिन पायलट भरोसे पर खरा नहीं उतर पाए। जयपुर में राजस्थान सरकार के विधायकों और मंत्रियों की क्रिकेट टीम का मुकाबला हो रहा था विधानसभा के कर्मचारियों के साथ। सचिन पायलट आए, बल्ला उठाए, लगा कि जितना बढ़िया प्रैक्टिस सेशन में खेला था वैसा ही खेलेंगे, टीम को जिताएंगे, लेकिन हुआ उल्टा। गेंद आई नहीं कि सचिन पायलट हो गए टाए टाए फिस। सचिन पायलट ने कोशिशें तो पूरी की, लेकिन गेंद आते ही शायद नर्वस हो गए और फिर बिना खाता खोले ही लौट गए पवेलियन। खैर, सचिन पायलट के साथ रहने वाले प्रताप सिंह खाजरियावास भी कम नहीं निकले। बल्लेबाजी में कुछ खास तो नहीं किए सो अलग, गेंदबाजी में भी लुटिया डुबो आए। गेंद को लेकर मैदान में बड़ी तेजी से दौड़े, बल्लेबाज सहम गया, पब्लिक सहम गई, लगा कि अब की बार तो विकेट लेकर ही रहेंगे, बिल्कुल मिडल स्टंप पर वार करेंगे, बल्लेबाज को बोल्ड करेंगे, लेकिन पहली गेंद में पिटवा दी पूरी टीम की भद। जितने कॉन्फिडेंस लिए गेंदबाजी के लिए आए थे, उतनी ही मायूसी के साथ ओवर पूरी करने के बाद किनारे बैठ गए। एक ओवर में 24 रन जो दिए आए। विधानसभा के कर्मचारियों की टीम ने बनाए कुल 134 रन, लेकिन इस आसान से लक्ष्य को हासिल करने में छूट गए राजस्थान के विधायकों और मंत्रियों के पसीने। और सचिन पायलट का क्या कहें, प्रैक्टिस तो गजब का कर रहे थे, लेकिन ऐन मौके पर सिक्का नहीं चला। वैसे राजनीति में भी पायलट के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है।